राज के स्टूडेंट देखने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेज एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax by c = 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस। ओके, अब यहां पे आपको इस तरीके से कुछ इक्वेशंस दी हुई है, लीनियर इक्वेशंस हैं। इनको आपको इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax plus bi plus c equals to 0, ये दोस्तों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे करना है। सो फर्स्ट में है हमारे पास 2x plus 3y is equals to 9.35 and 5 के ऊपर बाय। ओके, अब देखिए किसमें यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है किसको भाई, इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म मिला ये है ना, जो कि ये है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि ax हमारे पास पहले से ही है, इसको 2x रहने देते हैं। by ये भी है हमारे पास है ना। अब देखिए उसके बाद आ गया 9.35। अब इक्वल टू के उस साइड भाई क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यहाँ पे तो जीरो है तो इक्वल टू के उस साइड जीरो होना चाहिए। तो जीरो करने के लिए भाई इनको यहाँ लेकर आएंगे, वैसे भी यहाँ पे c की कमी है, तो जब ये इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस 9.35 bar = 0। लो भाई आ गई इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हो गई इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, अब यहाँ पे आपको कहा गया है इंडिकेट वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। अब आपको ए बी और सी की वैल्यूज भी बतानी है। तो देखिए भाई ए इक्वल टू हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे है ए एक्स और उसकी जगह लिखा हुआ है यहाँ पे 2x, तो 2 ही ना वैल्यू। ए इक्वल टू 2, b इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ये सब हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी तो फटाफट जाइए इंट्रोडक्शन की वीडियो को देखिए, तभी आपको यहाँ पे ये समझ में आने वाला है। c की वैल्यू क्या है 9.35 और ऊपर बार, ये हो जाएगी c की वैल्यू। यहाँ पे दोस्तों आपको माइनस भी लगा दे रहा है y, यहाँ पे हमने माइनस लगाया है तो आप भी माइनस जरूर लगाइएगा। यहाँ पे तो प्लस था, प्लस लगाने की जरूरत होती नहीं है, बट माइनस लगाने की जरूरत है, बिल्कुल है, तो इस तरीके से आप लगा लीजिएगा। जैसे कि देखिए x माइनस वाई पॉइंट फाइव इज माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब ये भाई पहले से ही अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय भर्ती परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो अच्छे पब्लिकेशन वाले लेकर आए हैं। ये दो बुक है, पहली बुक जिसमें सभी सिलेबस के टॉपिक से कंसेप्ट को क्लियर किया गया है, और दूसरी बुक तो बहुत ही शानदार है जिसका नाम है स्टडी गाइड। ये आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएगी। दोस्तों इस बुक में पिछले 14 ईयर्स के क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं, 2014 से लेकर के 2021 तक के शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, और साथ ही साथ 8 प्रैक्टिस सेट भी हैं। तो दोस्तों आप इस बुक को ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से मंगा सकते हैं, ऑफलाइन अपने किसी भी नजदीकी दुकान से भी आप इसको खरीद सकते हैं। तो एक बार इस बुक को जरूर ट्राई करें। देखिए यहाँ पे ये ए एक्स है, कैसे भी यहाँ पे तो हमें एक्स ही दिख रहा है, ए कहाँ है, ए दोस्तों 1 है, क्योंकि जब इसके पहले कुछ नहीं है तो क्या हम नेट कर सकते हैं 1, क्योंकि 1 भाई होता भी है, 1 ही माना जाता ना। तो इधर हो जाएगा हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में 1x माइनस वाई अपॉन 5 है, इसका हो जाएगा 1y अपॉन 5। ओके, माइनस 10 इज इक्वल टू 0 एंड ए की वैल्यू आ गई आपके पास 1, बी की वैल्यू क्या आई माइनस 1/5, जो हमारा वेरिएबल है उसको हम छोड़ देंगे। सो माइनस 1/5 आ गया सीधे से, एंड सी इक्वल टू भाई आपका आ गया माइनस 10। सिंपल, सो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, नकल टू दी नेक्स्ट पार्ट। तीसरे में देखिए दोस्तों माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब इसमें क्या होगा देखिए, माइनस 2x ये ax की प्लेस पे हो गया, प्लस 3y ये by के प्लेस पे हो गया। अब यहाँ पे भाई c की कमी हो रही है, और देखिए इक्वल टू के साइड यहाँ पे 6 है, इसको इधर बुला लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए एकदम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में ये लीनियर इक्वेशन कन्वर्ट हो चुका है। a की वैल्यू है यहाँ पे माइनस 2, b की वैल्यू है 3 एंड c की वैल्यू है माइनस 6। ओके, अब देखिए फोर्थ में है x इक्वल टू 3y, इसमें यहाँ पे देखिए भाई कि x जो है ये तो भाई काम बन जाएगा, 1x हो जाएगा, ठीक है 1x हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो 3y है इसको इधर बुलाएंगे, तो ये माइनस 3y हो जाएगा है ना। अब इसमें कमी किसकी हो रही है, ax माइनस by ये तो कंप्लीट हो गया, कमी हो रही है इसमें c की, तो c को भाई चलो 0 मान लेते हैं है ना, क्या प्रॉब्लम है, c को 0 तो मान ही सकते हैं ना।
तो इस तरीके से जीरो हो गया इक्वल टू इस साइड जीरो, क्योंकि जीरो मतलब कुछ नहीं, तो सी को जीरो मान जा सकते हैं हम। तो यहाँ पे हो जाएगा ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू माइनस थ्री एंड सी इक्वल्स टू जीरो। ओके, तो इस तरीके से थर्ड भी हो गया, फोर्थ भी हो गया। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ में देखिए 2x equals to 5y। अब यहाँ पे देखिए भाई कि इनमें 2x मतलब क्या हो जाएगा, ax हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 2x। ओके, अब देखिए उसके बाद हमें अब क्या चाहिए, by चाहिए, इसको इधर बुलाते हैं क्योंकि यही by की फॉर्म में दिख रहा है, तो ये माइनस 5y हो जाएगा। देन अब हमें क्या चाहिए, c चाहिए, प्लस c, वो तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसको हम जीरो कर सकते हैं, तो प्लस जीरो हो जाएगा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे एक ही वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, एक ही वैल्यू हो जाएगी टू, उसके बाद बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस फाइव एंड सी की वैल्यू हो जाएगी जीरो। अब इसमें देखिए थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो। अब इसमें देखिए थ्री एक्स एक्स की फॉर्म में दिख रहा है, चलो भाई इसको उतार लेते हैं। अब यहाँ पे जो प्लस टू है हमारे पास, ये बेचारा कंगाल लग रहा है ना, इसके पास कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो इसको क्या बनाएंगे, इसको बी वाई तो बना नहीं सकते हैं भाई, ठीक है। तो बी वाई हम अपने से बना लेते हैं, कैसे, जीरो डॉट वाई। अब देखिए भाई जीरो डॉट वाई कहां से कूद गया, देखिए जब हम जीरो का वाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, और जीरो मतलब कुछ भी नहीं, जीरो मतलब कुछ भी नहीं, ये चीज हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताई थी। तो आप बी वाई की जगह जीरो वाई रख सकते हैं, जीरो डॉट वाई मतलब जीरो, डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, ये चीज आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए। एंड प्लस क्या हो जाएगा, टू वाई, क्योंकि टू के पास कोई वेरिएबल नहीं था, और यहाँ पे हमें दिख रहा है एक सी, बिल्कुल इसकी तरह, तो हम इसको सी बना देंगे इक्वल टू जीरो। ओके, जरूरी नहीं है बस उधर से ही लेकर आएंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो ए इक्वल टू हो जाएगा थ्री एंड बी की वैल्यू हो जाएगी जीरो, ठीक है, ये बी की जगह पे जीरो हमने लिया है। अब देखिए c की वैल्यू हो जाएगी टू, इस तरीके से हो गया। सेवेंथ में देखिए y माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। अब हमारे पास ax नहीं है तो क्या करेंगे, उसके लिए जीरो डॉट, सॉरी जीरो डॉट हम x कर देंगे, a नहीं, a तो हमारा जीरो हो गया, तो जीरो डॉट x हो गया, इट मींस जीरो x। ओके, अब देखिए उसके बाद हमें क्या चाहिए, बी वाई चाहिए, जो कि हमारे पास अवेलेबल है y, बट इसके पास वेरिएबल नहीं है, है ना, वन, तो यहाँ हो जाएगा प्लस वन वाई। एंड नेक्स्ट देखिए कि इसमें अब आगे क्या होगा, हमारे पास माइनस टू है, तो माइनस टू के पास कोई वेरिएबल नहीं था, तो इसको सी बना देंगे, सो माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब देखिए भाई हम अपने सारे इक्वेशंस में यहाँ पे वन लगाते आ रहे हैं, आपको वन नहीं लगाना है, लगा भी सकते भाई, नहीं भी लगा सकते, क्या प्रॉब्लम है, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए इसमें अब ए की वैल्यू हो जाएगी जीरो, बी की वैल्यू हो जाएगी वन एंड सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस टू। ओके, आप देखिए एट्थ में क्या है हमारे पास, एट्थ में है, एट्थ में है हमारे पास फाइव इक्वल टू टू एक्स। अब इसमें देखिए भाई यहां पे हमारे पास ए एक्स है, कहां है, दिमाग लगाइए, ए एक्स इधर है भाई, टू एक्स, ए एक्स ही तो फॉर्म में है, तो इधर ला लेंगे तो ये माइनस टू एक्स हो जाएगा, है ना। अब देखिए कि by हमारे पास नहीं दिख रहा है भाई, है तो 5 by, नहीं इसके पास y नहीं है ना, यही तो प्रॉब्लम है, तो इस तरीके से हमें इसको अपने से बनाना पड़ेगा, तो प्लस जीरो डॉट y, जैसे कि यहाँ पे बनाया था, तो जीरो डॉट y हो जाएगा। एंड नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इसको बना देंगे 5 को जो अकेला था वो, उसको c बना देंगे इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब कि a की वैल्यू हो गई आपके पास माइनस टू, बी की वैल्यू हो गई जीरो एंड सी की वैल्यू हो गई फाइव। ओके, तो इस तरीके से यहाँ क्वेश्चन नंबर टू भी होता है सॉल्व, फिफ्थ सिक्स सेवन एट सॉल्व हो गए। तो मिलते हैं अपनी नई एक्सरसाइज के नए क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि एक्सरसाइज 4.1 इज कंप्लीट। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों, मेरे तरफ से जय हिंद जय भारत।